बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सुनते आ रहे होंगे कि इस करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिला है, जो कि इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर बिटकॉइन को भूल जाने की बात की जाए तो अगला जमाना NFT का है। माइक विंकेलमैन नाम के व्यक्ति जो एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक आर्ट $69 मिलियन में बेचा है, यानी 500 करोड़ रुपए में। और यह हमारे इंडिया के एक बिजनेसमैन ने खरीदा है जिनका नाम विग्नेश सुंदरेशन है। इस आर्ट को NFT फॉर्मेट में बेचा गया है। तो क्या आप भी NFT से रुपए कमा सकते हैं? NFT है क्या और यह कैसे काम करती है? इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो गाइस, मैं प्रशांत मौर्य, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Pacific T7। यह आर्ट NFT फॉर्मेट में बेची गई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि NFT है क्या। NFT एक नॉन फंजेबल टोकन है, जहां नॉन फंजेबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग या कोहिनूर हीरा, यह दोनों ही नॉन रिप्लेसेबल है, इसलिए इन्हें नॉन फंजेबल बोला जाता है। और इन आर्ट्स को ऑनलाइन बेचने का जो स्ट्रक्चर है उसको NFT बोलते हैं। NFT फॉर्मेट में जब आप कुछ चीजें खरीदते हैं, जैसे कि वीडियो क्लिप, GIF या म्यूजिक, तो आपको यहाँ कोई भी फिजिकल प्रिंटिंग नहीं मिलती है। यहाँ आपको एक टोकन मिलता है जिसे नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं। NFT का फायदा यह है कि जैसे कि कोई डिजिटल आर्ट्स को लोग डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में उसकी कॉपीज बना लेते हैं, जिस वजह से जिसकी यह आर्ट होती है उसकी अपनी पहचान छिप जाती है। तो NFT की वजह से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस आर्ट का ओरिजिनल ओनर कौन है। अगर बात की जाए NFT काम कैसे करती है, तो NFT एक ब्लॉकचेन पर काम करती है और इसमें इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। इस ब्लॉकचेन के जरिए अगर किसी आर्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेचा जाता है तो यह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है, जिसे किसी भी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता। इसी से हमें यह पता चलता है कि इस आर्ट का ओरिजिनल ओनर कौन है। इससे फ्यूचर में क्रिएटर को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि आपकी यह आर्ट दूसरे पर्सन से किसी तीसरे पर्सन को बेचा जाएगा तो आपको इसके लिए कुछ रॉयल्टी मिलेगी। और NFT से पहले बहुत सी डिजिटल आर्ट को कॉपी कर लिया जाता था और ओरिजिनल ओनर की पहचान छिप जाती थी, पर यह अब NFT के जरिए बड़ी ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। NFT में जो भी पेमेंट होता है वह अभी क्रिप्टो करेंसी से होता है। आई होप इस वीडियो के जरिए NFT से जुड़े सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।